to slow up. No, I don't take shit. I got no love. अबे कौन बोल रहे है? सुबह सुबह फोन करके परेशान कर रहा है। मैं पठान का बच्चा हूँ। अरे मेरी तरफ से तो पठान का हो चाहे स्वर का हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सीधे सीधे क्यों नहीं बताता है कौन है तू? ये मोदी है। अच्छा तो आप मोदी जी बोल रहे हो, नमस्कार मोदी जी। नमस्कार। तो बताओ मोदी जी, आज इस बेवड़े बिल्लू को आपने कैसे याद किया? कोई शादी वादी करने का प्लान तो नहीं है? हाँ। अरे जब ही तो याद कर लिया आपने मुझको, नहीं तो चुनाव के बाद में मुझे याद ही नहीं किया। चलो आप तो यह बताओ कि शादी का निमंत्रण आप किन किन को दे रहे हो? हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। अरे इतने लोगों को निमंत्रण देके आप डायरेक्ट मोदी जी से मोदी जी बन जाओगे और कंगाल और हो जाओगे। सही। अरे मैं तो लोगों को सही तो शिक्षा देता हूँ, लेकिन लोग मानते ही नहीं है। अब आप तो यह बताओ कि आप बचपन में क्या करते थे? मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। अच्छा जी, इसीलिए आपको बेचने की आदत पड़ गई है? बिल्कुल। अरे आपने दिल्ली का लाल किला बेच दिया, आगरा का ताजमहल बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, और मेरे घर में जो पंखा रखा था उसे बेच दिया, अब और किसको बेचोगे? देश को। मोदी जी आप इस देश को कितने दिनों में बेच दोगे? 6 महीने में। फिर देश को बेचने के बाद में आपकी क्या कंडीशन हो जाएगी? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो मोदी जी आपको शादी करने में फायदा है, नहीं तो लटकते रह जाओगे। क्यों भाई? अरे क्यों, आपकी बातें छोड़ दो मोदी जी, अगर देश वालों को पता चल गया ना तो आपके लेके बुंगड़ा खा जाएंगे और बोलेंगे कि मोदी जी तो हमारे अपने पॉकेट में। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तो गधी से शादी करोगे? अरे मोदी जी गधी को तो छोड़ दो यार, इसमें क्या रखा है? छोड़ने वाला नहीं। क्या पकड़ा है?